ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं, जो कि जो फर्स्ट यूनिट है उसका हमारी स्टार्टिंग टॉपिक है। जो फर्स्ट यूनिट हमारा है उसका ये स्टार्टिंग टॉपिक है। यहीं से हमारा फर्स्ट यूनिट हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। उसके पहले भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत हम लोगों ने बेसिक देखा है सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। जैसा कि आप सब लोगों को बेसिक तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि सेमी कंडक्टर, दूसरा है कंडक्टर और तीसरा हमारा है इंसुलेटर। इसकी बेसिक वीडियो मैंने डाल दिया है जिसको आप लोग देख लीजिएगा। सेमी कंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो एक बेसिक डेफिनेशन तो आप एक हो गया कि सेमी कंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, वाइल स्टूडेंट कंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, वहीं इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं कंडक्ट और एग्जाम्पल दे दीजिएगा, सेमी कंडक्टर में दे दीजिएगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वाइल कंडक्टर में आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, सिल्वर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और वहीं इंसुलेटर में दे दीजिएगा रबर, वुड, क्वार्ट्ज, प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। दो और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड के आधार पर आप लोग सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बैंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है, उसके आधार पर। तो जो कंडक्टर होता है स्टूडेंट, उसमें जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं ओवरलैप करते हैं। इन द केस ऑफ, जैसे मान लो ये तुम्हारा बैलेंस बैंड है और ये तुम्हारा मान लो बैलेंस बैंड है और ये तुम्हारा जो कंडक्शन बैंड होगा ना, कंडक्शन बैंड, ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं इन द केस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में ओवरलैप कर जाते हैं बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और वहीं जो तुम्हारा ये इंसुलेटर होता है उसमें जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है उसमें लार्ज बैंड गैप होता है, इसी को कहते हैं एनर्जी गैप, ईजी से डिनोट करते हैं। और जो ईजी की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो जो एनर्जी गैप होता है स्टूडेंट, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस बैंड में, उसको कंडक्शन बैंड में अगर तुमको भेजना है तो उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तुमको देनी पड़ती है, तभी वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा स्टूडेंट, तब तक कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, उसी को कहते हैं एनर्जी गैप। और इंसुलेटर में स्टूडेंट ये एनर्जी सबसे ज़्यादा आपको देनी पड़ती है। वही इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर की बात किया जाए तो सेमी कंडक्टर में जो आपका मान लो ये बैलेंस बैंड है और ये मान लो तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, तो दोनों के बीच में बहुत स्मॉल ये एनर्जी गैप आपको देनी पड़ती है। ईजी जो होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसमें याद कर लेना, सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए जो होता है, ठीक है, वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी होता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इस आधार पर भी आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है पीएन जंक्शन डायोड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, पीएन जंक्शन डायोड। तो देखो लिखा है कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है पी टाइप सेमी कंडक्टर और एन टाइप सेमी कंडक्टर। ये मेनली सेमी कंडक्टर जो स्टूडेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है इंट्रिंसिक और दूसरा जो स्टूडेंट तुम्हारा होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह के सेमी कंडक्टर होते हैं। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर स्टूडेंट होता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, वहीं इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर जो होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर, इम्प्योर इम्प्योर फॉर्म या डोप्ड फॉर्म, डोप्ड फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर, डोप्ड फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो इसमें ऑलरेडी आपको बताया गया है कि डोपिंग क्या होता है। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होता है उसमें दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। अगर ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो पी टाइप सेमी कंडक्टर, और पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो एन टाइप सेमी कंडक्टर। दो तरह के सेमी कंडक्टर का फॉर्मेशन होता है, पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो जब पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर स्टूडेंट अगर अलग अलग लोगे तो उसका कोई यूज नहीं है। वैन पी टाइप सेमी कंडक्टर एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि पी टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर टेकन सेपरेटली आउट ऑफ लिटिल यूज इन एक्चुअल प्रैक्टिस। पी टाइप सेमी कंडक्टर है और एन टाइप सेमी कंडक्टर है, उसको अगर अलग अलग लिया जाए तो उसका कोई यूज नहीं है। बट इफ यू ज्वाइन अ पीस ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर टू अ पीस ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर इन सच अ मैनर, इस तरह से उसको जोड़ा जाए कि जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर वो रिमेन कॉन्टिन्यूस एट दी बाउंड्री। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट हो कॉन्टिन्यूस हो बाउंड्री पे, तो पीएन जंक्शन डायोड का हमारा फॉर्मेशन होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पीएन जंक्शन डायोड, तो आपको बस इतना बताना है कि व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज जॉइंड विद अ पीस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इन सच अ मैनर दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन कॉन्टिन्यूस एट दी बाउंड्री, देन आवर डायोड इज फॉर्म, देन आवर डायोड इज फॉर्म। उसके लिए स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक यूज होता है जिसके थ्रू हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस उसका टेक्निक नहीं है, सिंपली बस आपको इतना बताना है कि व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज जॉइंड विद अ पीस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इस तरह से इन सच ए मैनर दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है रिमेन कॉन्टिन्यूस एट दी बाउंड्री, तो हमारा पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पर बनाया हुआ है ये ऐसे आपका बनेगा, एक इस तरह से आपका एक पी और एन, और ये जो हमारा है ये जंक्शन है। ठीक है, दिस इज आवर जंक्शन, ये हमारा जंक्शन। ठीक है, तो अब देखिए लिखा है सच अ पीएन जंक्शन फॉर्म अ वेरी यूजफुल डिवाइस एंड इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर डायोड और पी एन जंक्शन डायोड और सिंपली क्रिस्टल डायोड। जैसे कई सारे नाम हैं, पी एन जंक्शन डायोड आप कह सकते हो या क्रिस्टल डायोड कह सकते हो या सेमी कंडक्टर डायोड कह सकते हो। तो देखो उसको सिंबल क्या है पी एन जंक्शन डायोड का, जो सिंबल है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से है, दो टर्मिनल होता है इसमें। ठीक है, इसको कहते हैं एनोड और इसको कहते हैं कैथोड, ये P है और ये N है। ठीक है, तो लिखो लिखा है इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट अ PN जंक्शन कैन नॉट बी फॉर्म बाय सिंपली ज्वाइनिंग और बिल्डिंग, जो मैंने आपको बताया इट इज इट कैन नॉट बी फॉर्म सिंपली बाय ज्वाइनिंग या बिल्डिंग द टू पीस टुगेदर। सिंपली ये नहीं कि P लिया N लिया जोड़ दिया, ठीक है, बिकॉज इट वुड प्रोड्यूस डिसकॉन्टिन्यूस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिसकॉन्टिन्यूस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करेगा। स्पेशल टेक्निक्स आर यूज, ठीक है, जो टू प्रिपेयर अ पी एन जंक्शन एंड वन कॉमन मेथड फॉर मेकिंग पी एन जंक्शन इज कॉल्ड एलाइन। अब देखिए जैसे ही आपका पी एन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होगा व्हाट विल हैपन, दो चीज़ उसमें होगा, ठीक है, टू फिनोमिना विल टेक प्लेस। जैसे ही आपका पी एन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होगा टू थिंग्स विल बी हैपन, पहला एक तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर होगा और दूसरा जंक्शन या पोटेंशियल बैरियर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे ही आपका पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होगा फॉलोइंग टू फिनोमिना विल टेक प्लेस। ठीक है, तो पहला तो डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन होगा, तो डिप्लेशन लेयर का होता है द लेयर इन विच नो फ्री चार्ज कैरियर इज अवेलेबल, उसी को कहते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर किसे कहते हैं, डिप्लेशन लेयर या रीजन भी कहते हैं इसको, तो इन फ्री चार्ज कैरियर इज नॉट अवेलेबल,
फ्री चार्ज कैरियर इज नॉट अवेलेबल इन द डिप्लीशन लेयर. तो लिखा लिखा है थिन डिप्लीशन लेयर और रीजन इज सेटअप ऑन बोथ द इज सेटअप ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन एंड इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज डिप्लीटेड और डिवाइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर. इट्स विड्थ इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर. ठीक है, तो दोनों साइड के जंक्शन के दोनों साइड पे एक पतला सा लेयर का फॉर्मेशन होता है और इसको ये जो फ्री चार्ज कैरियर से डिप्लीटेड होता है, मतलब कम नहीं होता उसमें फ्री चार्ज कैरियर, और इसका विड्थ होता है लगभग 1 माइक्रोमीटर. ठीक है, 10^-6 मीटर. और दूसरा है जंक्शन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल भी इज डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन और जिसकी वैल्यू होती है अबाउट 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन. अब देखिए कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर. तो देखिए एज सून एज सपोज दैट अ पीएन जंक्शन हैज जस्ट बीन फॉर्म. मान लीजिए कि पीएन जंक्शन तुरंत उसका फॉर्मेशन हुआ तो क्या होगा. एट दैट इंस्टेंट होल आर स्टिल इन द पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन. एज वी ऑलरेडी नो दैट होल आर इन मेजॉरिटी कैरियर इन पी रीजन वाइल इलेक्ट्रॉन आर इन माइनॉरिटी कैरियर इन पी रीजन. सिमिलरली इन एन टाइप सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर इन मेजॉरिटी कैरियर एंड होल आर इन माइनॉरिटी कैरियर. तो जैसे ही पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा एट द इंस्टेंट होल आर स्टिल इन द पी रीजन इलेक्ट्रॉन इन दैन रीजन. However, there is a greater concentration of hole in the P region than in the N region. तो due to concentration gradient क्या होगा. देखिए P type semiconductor में hole majority carrier में है while in N type semiconductor hole are in minority carrier. ठीक है, in N type semiconductor hole are in minority carrier while in P type semiconductor hole are in majority carrier. तो यहाँ पर क्या होगा, concentration gradient होगा. एक side में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, दूसरे side में बहुत ही कम है. तो diffusion of hole and electron will take place from high concentration to low concentration. तो होल और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम वन साइड टू पी साइड, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होगा. ठीक है, हाउ एवर देखिए लिखा है हाउ एवर देर इज अ ग्रेटर. ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ पर हाउ एवर देर इज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ होल इन पी रीजन दैन इन एन रीजन. सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर इन एन रीजन दैन इन पी रीजन. तो दिस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन एस्टेब्लिश अ डेंसिटी ग्रेडियंट. तो ये जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का एस्टेब्लिश करता है डेंसिटी ग्रेडियंट across the junction resulting in majority carrier diffusion. ठीक है, तो होल का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम पी टू एन रीजन एंड इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम एन टू पी रीजन एंड टर्मिनेट देयर एग्जिस्टेंस बाई रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, और फिर वो दोनों उनका जो एग्जिस्टेंस है वो हट खत्म हो जाएगा बाय द रिकॉम्बिनेशन. तो दिस रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्री एंड मोबाइल होल एंड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस द नैरो रीजन एट द जंक्शन. ठीक है, तो ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है जो फ्री मोबाइल फ्री कह सकते हैं या मोबाइल कह सकते हैं होल और इलेक्ट्रॉन का एक नैरो रीजन जंक्शन पे प्रोड्यूस करते हैं और इसी को कहते हैं डिप्लीशन रीजन. इट इज सो कॉल्ड बिकॉज दिस रीजन इज डिवाइड या डिप्लीटेड ऑफ फ्री एंड मोबाइल चार्ज कैरियर दो इट डज कंटेन फिक्स्ड और इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड. अब देखिए और दूसरा क्या है, जंक्शन और वैरियर पोटेंशियल. जंक्शन या वैरियर पोटेंशियल का भी फॉर्मेशन होता है. तो जंक्शन या वैरियर वोल्टेज क्या है ये देखिए क्या है. तो देखिए लिखा डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड हैज नो फ्री चार्ज कैरियर. उसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता डिप्लीशन लेयर में. इमोबाइल पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं, एक साइड में इमोबाइल पॉजिटिव आयन और दूसरे साइड में हमारा इमोबाइल निगेटिव आयन. पीएन जंक्शन डायोड हैज नो फ्री चार्ज कैरियर बट ओनली फिक्स्ड रो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन ऑन इट टू साइड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सेपरेशन. अब इस चार्ज सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वी वी इज एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द जंक्शन. एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू द चार्ज. एक साइड में हमारा इमोबाइल पॉजिटिव आयन होता है. देखिए कुछ इस तरह से बनता है ये, जब होल इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है ना तो एक साइड में हमारा इमोबाइल पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है और एक साइड में हमारा इस तरह से इमोबाइल निगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है. इसी कहते हैं डिप्लीशन लेयर और यहीं पर हमारा एक पोटेंशियल बैरियर भी डेवलप होता है. ये पी साइड मान लीजिए, ये एन साइड मान लीजिए, और ये हमारा डिप्लीशन लेयर है. ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताया है कि बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सेपरेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी वी इज एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द जंक्शन इवन व्हेन जंक्शन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सोर्स.
जंक्शन को आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस होगा और इसी को कहते हैं जंक्शन या बैरियर पोटेंशियल। और एक बार जब वहाँ पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस हो गया तो इट फर्दर स्टॉप द फ्लो ऑफ कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। उसके बाद फर्दर मूवमेंट नहीं होगा होल और इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और होल का फ्लो होगा एक समय तक, उसके बाद जब वहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहाँ पर तुरंत एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट होगा, उसके बाद ये फर्दर स्टॉप कर देगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल अक्रॉस द जंक्शन अनलेस सप्लाइड बाय एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। और तब तक नहीं होगा फ्लो जब तक आप एक एनर्जी उसको नहीं सप्लाई करोगे। एट रूम टेम्परेचर वी कैन से एट 300 केल्विन जो वीवी होता है हमारा इज अबाउट 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन डोपिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड टेम्परेचर। तो देखिए इसे समराइज किया गया है कि कौन कौन सा प्रोसेस आपका होगा, व्हाट आर द प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन आर समराइज्ड हियर। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन आर समराइज्ड बिलो। होल फ्रॉम द पी साइड डिफ्यूज इन टू द एन साइड, क्या क्या प्रोसेस होगा? तो डिफ्यूजन ऑफ होल होगा फ्रॉम पी साइड टू एन साइड वेयर दे रिकम्बाइन विथ फ्री इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फ्री इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम एन साइड टू पी साइड वेयर दे कम्बाइन विथ होल। द डिफ्यूजन करंट डीके एक्सपोनेंशियली बोथ टाइम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द जंक्शन। डिफ्यूजन करंट जो होगा डीके करेगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। और चौथा पॉइंट है ड्यू टू टेम्परेचर ड्यू टू डिपार्चर ऑफ फ्री एंड मोबाइल कैरियर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द जंक्शन अ डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म। दिस लेयर कंटेन ओनली इमोबाइल और फिक्स्ड आयन ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। दिस अनकवर्ड बाई फिक्स्ड आयन सेटअप अ पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन। और लास्ट पॉइंट है द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिपेंड ऑन द डोपिंग लेवल। जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ होगा वो डिपेंड करेगा डोपिंग पे, जितना ज़्यादा डोपिंग करेंगे जितना हैवी डोपिंग होगा डिप्लेशन लेयर उतना पतला होगा। फॉर हैवी डोपिंग डिप्लेशन लेयर इज फिजिकली थिन बिकॉज अ डिफ्यूजिंग चार्ज कैरियर हैज़ नॉट टू ट्रेवल फार अक्रॉस द जंक्शन फॉर रिकॉम्बिनेशन शॉर्ट टाइम। जिसको ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, तुरंत वहीं पर आपका डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपोजिट इज द केस इफ लाइट डोपिंग इज यूज्ड। और इसी का उल्टा, अगर डोपिंग आप लाइट करोगे तो डिप्लेशन लेयर उतना ही मोटा होगा। तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिपेंड करती है डोपिंग पर, जितना ज़्यादा डोपिंग करेंगे हैवली डोप्ड होगा तो उसका डिप्लेशन उतना थिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अगर हैवली डोप्ड होगा, हैवली डोप्ड तो डिप्लेशन लेयर हमारा थिन होगा, थिन मतलब हो गया पतला, ठीक है, पतला। और लाइटली डोप्ड होगा, अगर लाइटली डोप्ड होगा तो क्या होगा, थिक होगा, मोटा। ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर थिन और थिक हो सकता है। अब देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है पीएन जंक्शन डायोड का। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। तो दो तरह की वीआई कैरेक्टर, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा हमारा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक और कर्व विच शोज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे क्रॉस द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, उसी के बीच का जो ग्राफ होता है उसी को कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए लिखा हुआ है पीएन जंक्शन इज कॉल्ड अ पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड और क्रिस्टल डायोड बिकॉज इट इज फॉर्म इन अ क्रिस्टल सिलिकॉन और जर्मेनियम। अ पीएन जंक्शन डायोड इज अ यूनि डायरेक्शनल टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? तो पीएन जंक्शन डायोड इज एन यूनि डायरेक्शनल टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड इट कंडक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन एंड ऑफर हाई रेजिस्टेंस इन अदर डायरेक्शन।
ये केवल एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा और हाई रेजिस्टेंस होगा इन द अदर डायरेक्शन. तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड. तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इफ अ डायोड इज यूज इन अ सर्किट, इफ अ डायोड इज यूज एज अ सर्किट एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, दीज देयर मे बी रिक्वायरमेंट टू नो हाउ इट रिस्पॉन्ड और बिहेव इन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो क्या लिखा है? इफ अ डायोड इज यूज इन अ सर्किट एलिमेंट, अगर डायोड को हम किसी सर्किट में यूज़ करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम डायोड को यूज़ करेंगे, तो देयर मे बी रिक्वायरमेंट टू नो, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें यह जानने के लिए कि कैसे यह रिस्पॉन्ड कर रहा है, हाउ इट बिहेव इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन मे बी ऑप्टेन बाई अ कर्व नोन एज वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक, या सिंपली इसको कहते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक. तो हाउ इट रिस्पॉन्ड और हाउ इट बिहेव, इस यह जानने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमको जानने के लिए इसकी बिहेवियर को, हाउ इट रिस्पॉन्ड, उसके लिए हम लोग दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन मे बी ऑप्टेंड बाई अ कर्व नोन एज, इसी को कहते हैं वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक. द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड इज सिंपली अ कर्व और ग्राफ. देखिए लिखेगा सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड इज यूज एज इज सिंपली अ कर्व. सिंपली अ कर्व होता है या ग्राफ होता है बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, जो भी आप वोल्टेज अप्लाइड करोगे इसके टर्मिनल के अक्रॉस, और उसका करेंट कैसा फ्लो करेगा, एंड द करेंट दैट फ्लो थ्रू द डायोड ड्यू टू दिस अप्लाइड वोल्टेज, जो आप वोल्टेज अप्लाइड करोगे उस वोल्टेज के कारण कैसा करेंट फ्लो करेगा, उसके बिहेवियर को नोट करने के लिए, जानने के लिए हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे. द एंटायर वी आई कैरेक्टरिस्टिक मे बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. जो एंटायर वी आई कैरेक्टरिस्टिक होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा हमारा है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, या उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस. तो एक बार जब हम उसको फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो उसका स्टडी करेंगे. तो फॉरवर्ड बायस के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा ये पी एन जंक्शन डायोड है, जब पी वाले को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे और एन वाले को निगेटिव से कनेक्ट करोगे, तो तुम्हारा ये हो गया फॉरवर्ड बायस. और सिमिलरली स्टूडेंट, अगर तुम्हारा ये पी है और तुम्हारा मान लो एन है, पी वाले को निगेटिव से करोगे एन वाले को पॉजिटिव से करोगे, तो तुम्हारा ये जो होगा रिवर्स बायस होगा. तो दो तरह की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग. When P side is connected with the positive terminal and N side is connected with the negative terminal, then this is known as forward bias and C का उल्टा reverse bias. तो forward characteristic क्या है देखिएगा. A careful look at the forward characteristic reveals the fact that up to point P, diode current is very small. This is because the applied voltage has to overcome the barrier potential and the diode conduct poorly. Once the applied voltage is slightly greater than barrier potential, the diode current increasing rapidly and diode conduct heavily. This voltage at which the current start increasing is called the knee voltage, and its value is 0.7 volt for silicon diode and 0.3 volt for germanium diode. The applied voltage across the diode should not increase beyond specified safe value, otherwise the diode will burn out due to heat. This specified safe value is provided by the manufacturer for each type of diode. तो इसमें देखिए बताया गया है कि डायोड का तो वो वी आई कैरेक्टरिस्टिक जब आप बनाओगे, देखो ये तुम्हारा फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, ये तुम्हारा हो गया फॉरवर्ड करंट, ये आपका रिवर्स वोल्टेज हो गया और ये आपका हो गया रिवर्स करंट. तो इस तरह से तुम्हारा बनेगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड वाइज. और इस वोल्टेज को स्टूडेंट कहते हैं नी वोल्टेज, जिसको वी के से डिनोट करते हैं. तो व्हाट इज नी वोल्टेज? तो नी वोल्टेज देखो क्या होता है, नी वोल्टेज जिसको कहते हैं नी वोल्टेज, तो नी वोल्टेज क्या होता है, इट इज अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज एट विच करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली. यह फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होता है, फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज होता है, और इस वोल्टेज के बाद से आप जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओगे या इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर पहुंचने के बाद, उसके बाद से वोल्टेज थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो करंट स्टार्ट करता है इंक्रीजिंग रैपिडली, काफ़ी तेजी से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, इसी वोल्टेज को नी वोल्टेज कहते हैं. एंड इट्स वैल्यू इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम. ठीक है, तो वही वोल्ट बोला है, दिस वोल्टेज एट विच द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग इज कॉल्ड नी वोल्टेज एंड इट्स वैल्यू इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम.
जो भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे वो शुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द स्पेसिफाइड वैल्यू, एक वैल्यू तक ही आप उसको इंक्रीज करोगे वोल्टेज को, एंड दिस वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर ईच टाइप ऑफ डायोड। ठीक है, तो जो भी मैन्युफैक्चरर डायोड बनाएगा आपको डेटा शीट में आपको दे देगा कि इसका मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका कितना है, उस वोल्टेज के अंदर ही आप काम कराओगे नहीं तो डायोड जल जाएगा। ठीक है, तो नी वोल्टेज समझ में आ गया, इट इज़ ए फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, और नी वोल्टेज के पहले अगर आप वोल्टेज दोगे तो तब करंट ऑलमोस्ट आपका जीरो रहेगा, यानी नी वोल्टेज हमारा एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नी वोल्टेज के बाद से करंट तेज़ी से बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल राइज करेगा, और नी वोल्टेज के पहले तक वोल्टेज हमारा ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। उसके बाद हमारा है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में अगर देखा जाए तो अ केयरफुल लुक एट द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक रिवील्स द फैक्ट दैट बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देखिए रिवर्स बायस हम जाएंगे तो वहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आता है, फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज का और रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आता है। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो अ केयरफुल लुक एट द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक रिवील्स द फैक्ट दैट बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज द डायोड करंट इज वेरी स्मॉल एंड ऑलमोस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज के पहले आप वोल्टेज दे रहे हो तो उस केस में जो हमारा डायोड करंट होगा बहुत ही कम होगा, द डायोड करंट इज़ वेरी स्मॉल और ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, एंड दिस करंट इज़ आल्सो नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट। और इट इसका जो ऑर्डर होता है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज में होता है फॉर जर्मेनियम एंड नैरो एम्पियर फॉर सिलिकॉन डायोड। अब रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए लिखा है इट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर विच आर थर्मली जनरेटेड। ये जो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होता है जो कि हीट के कारण जनरेट होता है। इट्स मीन्स दैट रिवर्स बायस करंट हैज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट एज डज नॉट डिपेंड अपॉन द अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसका मतलब ये होगा जो रिवर्स बायस करंट हमारा होगा या रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये थर्मली जनरेटेड होता है और ये होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इट्स मीन्स दैट रिवर्स बायस करंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज। बट इफ लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड अ प्रोसेस नोन एज जंक्शन ब्रेकडाउन ऑकर। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ड्यू टू दिस द डायोड रिवर्स करंट इंक्रीजेज रैपिडली द अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच दिस ऑकर इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो अगर रिवर्स बायस का हम लोग स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक देखें, अभी हम लोगों ने देखा फॉरवर्ड बायस हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा और रिवर्स बायस हमारा ग्राफ स्टूडेंट इस तरह से बनेगा। ये हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो इसमें देखिए जो करंट है ऑलमोस्ट आपका जो कांस्टेंट रिसीव करते हैं आई नॉट, देखिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रिवर्स बायस वोल्टेज हम कितना भी बढ़ा रहे हैं तो भी इस वोल्टेज पर अभी इसकी वैल्यू उतनी ही है, इस वोल्टेज पर आप आ रहे हो बढ़ा रहे हो तो भी उतनी है, यहाँ पर आ रहे हो तो भी उतनी है, यहाँ पर भी आ रहे हो तो भी उतनी है, यहाँ पर भी आ रहे हो तो भी उतनी है। यानी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसलिए नाम ही रिवर्स सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन में है यह कांस्टेंट। यानी रिवर्स बायस वोल्टेज पे इसकी वैल्यू नहीं, आप कितना भी वैल्यू बढ़ा रहे हो रिवर्स बायस में, एक वोल्ट, दो वोल्ट, तीन वोल्ट, चार वोल्ट, आप कितना भी बढ़ा रहे हो तो हमारा जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो कांस्टेंट। यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट इज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर वोल्टेज, इट मेनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी वैल्यू डबल हो जाती है। ठीक है, उस पर आते हैं अभी। तो देखिए ये जो हमारा वोल्टेज है इसका देखिए ब्रेक डाउन हुआ तो इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज देखिए क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज किसे कहते हैं, तो इट इज ए रिवर्स बायस वोल्टेज। यह रिवर्स बायस वोल्टेज होता है एट विच, जैसे आप उस वोल्टेज से पढ़ोगे, करेंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग एब्रप्टली। एकाएक जो हमारा करेंट फ्लो करता है, ठीक है, एब्रप्टली, ठीक है, इसमें हम कह सकते हो रैपिडली और इसमें देखो एब्रप्टली हो रहा है। तो वो लिखा भी है दिस द अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच दिस ऑकर इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज वीवी ऑफ अ डायोड। और नॉर्मली ये 50 वोल्ट के करीब में होता है सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए अराउंड 30 वोल्ट। अब देखिए रिवर्स सैचुरेशन करंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, एक फार्मूला होता है, देखिए आई जीरो टू इज इक्वल टू आई जीरो वन इंटू टू टू दी पावर टी टू माइनस टी वन और अपॉन 10। ये रिलेशन होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है,
यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है इसकी वैल्यू बढ़ती है, एंड ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ऑन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इट्स बिकम डबल। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर ये डबल हो जाता है। आप फार्मूले में देख सकते हो, जैसे फार्मूला का मैंने जो लिखा है आप इसमें से वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। लेट कर लो, लेट I01 की वैल्यू मान लो 10 नैनो एम्पियर है, एट मान लो 15 डिग्री सेल्सियस। पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है, I01 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 नैनो एम्पियर इंटू 2 पे पावर, और जब T2 माइनस T1 करोगे तो 25 में से जब 15 घटाओगे तो 10 आएगा, तो 10/10 तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1, तो 2 पे पावर 1 दैट इज 20। तो देखा आपने कैसे ये डबल हो गया, ठीक है। अब छोटे छोटे एक टॉपिक और है, डायोड रेजिस्टेंस और डायोड कैपेसिटेंस। अब आप लोग पीएन जंक्शन डायोड देखा, अभी डायोड रेजिस्टेंस क्या है, तो मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो डायोड रेजिस्टेंस का डाला है, तो वहाँ पर मैंने बताया है कि एन आइडियल डायोड, देखिए आइडियल डायोड जो है उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, प्रैक्टिकल डायोड की प्रॉपर्टी अलग है। तो आइडियल डायोड जो होता है इट्स ऑफर जीरो रेजिस्टेंस व्हेन इट इज़ इन फॉरवर्ड बायस। अगर आइडियल डायोड है तो वो जीरो रेजिस्टेंस आपको ऑफर करेगा जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जब वो रिवर्स बायस में होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो व्हाट डू यू मीन बाय जीरो रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस जीरो का मतलब हो गया I बराबर, अगर V अपन R करें ओम्स लॉ से, तो V अपन जीरो जब करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी करंट इनफाइनाइट। करंट इनफाइनाइट का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया आपका परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर, ठीक है। तो आइडियल डायोड जो होगा जीरो रेजिस्टेंस हमको ऑफर करेगा जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा जब वो रिवर्स बायस में होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल या रियल डायोड है तो डज नॉट बिहेव आइडियली, इट्स मीन्स दैट फॉरवर्ड बायस में उसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, क्वाइट स्मॉल, और रिवर्स बायस में होगा तो रेजिस्टेंस उसका बहुत हाई होगा, ठीक है। तो आइडियल से थोड़ा सा कम, ठीक है। आइडियल तो स्पेशल हो गया, तो उसमें या तो जीरो होगा या तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में जीरो नहीं तो भी थोड़ा कम होगा, और आइडियल में इनफाइनाइट नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो स्टूडेंट होता है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड व्हेन द डायोड इन फॉरवर्ड बायस, तो उसी कहते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो डायोड को हम दो ही मोड में ऑपरेट ही करते हैं, या तो फॉरवर्ड बायस या तो रिवर्स बायस। तो जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा उस केस में जो हमको रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा बाय द डायोड उसी को कहते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है डिफरेंट होता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, अगर डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है तो उसका नाम दूसरा होगा, उसको कहते हैं डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा तो उसका नाम होगा एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब डीसी फॉरवर्ड और एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है देख लीजिए, डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड, यह वह रेजिस्टेंस है जो डायोड के द्वारा ऑफर किया जाता है टू द डीसी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। यह रेजिस्टेंस डायोड के द्वारा ऑफर किया जाता है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू द डीसी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक रेजिस्टेंस, और इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ डीसी फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड और टू द डीसी करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखिए कर्व यहाँ पर बना हुआ, देखिए इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस, और दूसरा जो हमारा है डायनेमिक रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग एसी रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू द एसी इन फॉरवर्ड बायस,
और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड इट इज़ गिवन बाई द रेशियो ऑफ चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है RF बराबर ईटा वी टी अपॉन IF, और रिवर्स रेजिस्टेंस क्या होता है देख लीजिए, द रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बायस इज नोन एज रिवर्स रेजिस्टेंस। आइडियली इट इज़ इनफाइनाइट बट प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी लार्ज। द रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टूडेंट वो है डायोड कैपेसिटेंस। तो डायोड में दो तरह के कैपेसिटेंस भी होते हैं स्टूडेंट, एक होता है डिफ्यूजन या स्टोरेज कैपेसिटेंस, एक होता है दूसरा ट्रांजिशन और डिप्लेशन कैपेसिटेंस। तो शॉर्ट में देखो बताया गया, अगर डिफ्यूज अगर कैपेसिटेंस आता है डायोड कैपेसिटेंस, तो आप बता देना कि डायोड में दो तरह के कैपेसिटेंस होता है, एक तो फॉरवर्ड बायस में और दूसरा रिवर्स बायस में। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा डायोड में दो तरह के रेजिस्टेंस था, एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस। उसी तरह से डायोड में दो तरह के कैपेसिटेंस है, एक होता है डिफ्यूजन या स्टोरेज कैपेसिटेंस। तो लिखो लिखा है द कैपेसिटेंस विच एग्जिस्ट इन फॉरवर्ड बायस जंक्शन उसको कहते हैं डिफ्यूजन या स्टोरेज कैपेसिटेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस टू अकाउंट फॉर द टाइम डिले इन मूविंग चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन बाई डिफ्यूजन प्रोसेस। इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज CD बराबर टाउ IF अपॉन ईटा VT। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का देखो फार्मूला है, याद कर सकते हो टाउ IF अपॉन ईटा VT। तो टाउ क्या है, तो मीन लाइफ टाइम ऑफ अ कैरियर है, ईटा आपको मालूम है कांस्टेंट है, आइडियलिटी फैक्टर इसकी वैल्यू दो होती है सिलिकॉन के लिए 1 फॉर जर्मेनियम, CD हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हो गया और VT जो हमारा हो गया वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और VT की वैल्यू आपको मालूम ही है T अपॉन 11600 होता है, जो VT की वैल्यू होती है वो होती है KT अपॉन Q। ठीक है, और VT की वैल्यू आएगी T अपॉन 11600, आपकी अपॉन Q जब करोगे तो यही आएगा। ठीक है, कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻²³। क्यू जो होता है चार्ज एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू आपको मालूम ही है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो लिखा है देखिए, हैज द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस दैट इज CD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट IF एंड द टिपिकल वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज 0.02 μF। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है वो है डिप्लीशन या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो ये कब होगा, तो ये जब डायोड रिवर्स बायस में हमारा होगा तो उस केस में हमारा जो कैपेसिटेंस बनेगा वो डिप्लीशन या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बनेगा। तो व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म देयर एग्जिस्ट डिप्लीशन रीजन एट द जंक्शन। ऑलरेडी आपको मालूम है कि जब पीएन जंक्शन, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है इसी वीडियो में देखा कि जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो डिप्लीशन लेयर का भी फॉर्मेशन होता है। देयर एग्जिस्ट डिप्लीशन रीजन एट द जंक्शन एंड दिस डिप्लीशन रीजन और लेयर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबाइल आयन। मैंने आपको बताया भी है अभी फिगर बना के, एक साइड में पॉजिटिव आयन और दूसरे साइड में नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। दिस डिप्लीशन लेयर इज नॉन कंडक्टिव, ये डिप्लीशन लेयर नॉन कंडक्टिव है क्योंकि इमोबाइल आयन है, हेंस एक्ट एज ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द पी रीजन एंड एन रीजन। द पी रीजन एंड एन रीजन एक्ट एज ए टू प्लेट, ये एक तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करता है। जो पी रीजन और एन रीजन होता है दो कंडक्टिंग प्लेट की तरह काम करते हैं, एक्ट एज ए टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टेंस। दिस टू प्लेट आर सेपरेटेड बाई डाई इलेक्ट्रिक, ये जो दो प्लेट हैं डाई इलेक्ट्रिक्स के द्वारा सेपरेट होते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको मालूम है C = εo A/d, वेयर एप्सिलॉन जो होता है परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, एक होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, भी आप लोग जानते हो कि 8.85 × 10⁻², और ए जो हमारा एरिया होगी प्लेट का और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। हैंस द डिप्लीशन लेयर विड्थ VD, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज। यानी रिवर्स बायस वोल्टेज आप जितना बढ़ाओगे डिप्लीशन लेयर की विड्थ उतनी बढ़ेगी। द डिप्लीशन कैपेसिटेंस शुड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द रिवर्स बायस। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं डिप्लीशन कैपेसिटेंस डोमिनेट्स इन रिवर्स बायस। डिप्लीशन कैपेसिटेंस इज गिवन बाई CT बराबर K/√V, वेयर K इज अ कॉन्स्टेंट एंड V इज हमारा रिवर्स वोल्टेज हो गया।
ठीक है। तो इसी वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट देखा पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, डिप्लीशन, बहुत बहुत ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक देखा। सबसे पहले हम लोग देखा कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, व्हाट इज डिप्लीशन लेयर, हाउ इट फॉर्म, व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर, हाउ इट फॉर्म, कैसे डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता है, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉरवर्ड बक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायोड रेजिस्टेंस देखा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ हम लोगों ने डायोड कैपेसिटेंस भी देखा। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।